नमस्कार फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो महत्वपूर्ण कंजक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण कंजक्शंस है, वे है इफ और इन केस। दोनों में जो समानता है कि ये दोनों ही कंजक्शंस है और साथ ही साथ दोनों एक ही मीनिंग देने वाले हैं। दोनों का मतलब होता है यदि, किंतु दोनों में एक स्पष्ट डिफरेंस है। इफ का प्रयोग हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं, मतलब शर्तात्मक वाक्यों में करते हैं, जैसे कि यदि तुम मुझे सामान दोगे तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इससे दूसरे तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, इसी शर्त पर मैं तुम्हें पैसे दूंगा यदि तुम मुझे सामान दोगे। तब ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं, न कि इनकेस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में इनकेस करके प्रॉब्लम देता है। आप इस सेंटेंस को इस तरह से आप बनाएंगे, If you give me goods, I will give you money। आप लोग एक बात ध्यान रख ले कि if के क्लॉज में कभी भी फ्यूचर इंडिकेटर आप ना लगाएं। हम लोग हिंदी में कह देते हैं कि यदि तुम मुझे सामान दोगे, यहाँ गागे की आ रहा है जो फ्यूचर टेंस के बारे में बात करता है, तब मैं तुम्हें सामान दूंगा। दोनों ही यहाँ क्लॉजेस में आप देख रहे हैं कि गागे की का प्रयोग हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि फ्यूचर टेंस में है, किंतु हमेशा याद रखिए कि इफ के क्लॉज में, अंटिल के क्लॉज में, अनलेस के क्लॉज में, व्हेन के क्लॉज में, इन केस के क्लॉज में कभी भी फ्यूचर इंडिकेटर्स जैसे कि शैल या विल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। आप इस कारण से इस सेंटेंस को आप गलत मानेंगे यदि आप कहते हैं इफ यू विल गिव मी आर्टिकल्स और गुड्स आई विल गिव यू मनी। ओके, इस सेंटेंस का सही रूप यही होगा, इफ यू गिव मी गुड्स आई विल गिव यू मनी। ओके, अब चलते हैं इनकेस के बारे में समझते हैं कि इसका कहां आप प्रयोग करेंगे। इनकेस का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां डर है या आशंका है, जैसे कि इनकेस बारिश होने लगे तब आप अपने पास एक छाता रख ले, इनकेस आते वक्त अंधेरा हो जाए तब अपने पास एक टॉर्च रख ले, इनकेस पीछे से कोई वार कर देता तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेंस है, जो भाव है, वह डर का है या आशंका है। तब ऐसे केसेस में हम लोग इनकेस का ही प्रयोग करेंगे, ना कि इफ का प्रयोग करेंगे। हम लोग इस पर कुछ सेंटेंसेस इस तरह से अंग्रेजी में बनाएंगे। इनकेस इट रेन्स कीप विथ यू एन अम्ब्रेला, In case it becomes dark while coming back home, you must keep with you a torch. In case something bad happens to you, what will you do? तो इस तरह के sentences आप देख रहे हैं, in case पर आधारित है। आशा करते हैं कि आप दोनों ही conjunctions को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, दोनों के प्रयोगों के बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको कैसा लगा Please आप comment के थ्रू से जरूर बताएंगे। Please like भी जरूर करें। Thank you very much.